आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश के पेश नजर तालीमी इदारों को 2 दिन तातीलात का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के कई अजला और हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद बारिश के पेश नजर तालीमी इदारों को 2 दिन के लिए यानी जुमेरात और जुमे को तातील देने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि रियासत में मौसलाधार बारिश को देखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के तहत रियासत के तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन की तातीलात का ऐलान करने का फैसला किया है, यानी जुमेरात और जुमे को तातीलात रहेंगी। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। सर्द हवाओं से अवाम मकाना से निकलने के लिए खायफ हैं। तेलंगाना में 2 दिनों से खास करके हैदराबाद में शदीद बारिश हो रही है। जुमेरात की सुबह मौसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कों पर सैलाबी पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा शदीद सर्द हवाओं की वजह से शहर के मकीन बाहर निकलने से खायफ हैं। तरीसना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने वार्निंग जारी की है कि आज और कल जुमे को भी शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्दादरी कुत्तागुड़म के बास मुकामात आदिलाबाद मुलक कामारेड्डी आसिफाबाद निर्मल निजामाबाद सिद्दीपेट और वरंगल में शदीद बारिश हुई। इसी दौरान तेलंगाना के कई दिगर मुकामात पर भी बारिश हुई। हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नजर ये बारिश हो रही है। बारिश के नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है और कई दरख्त गिर गए हैं। महकमे मौसमियात ने अजला खम्बम महबूबाबाद और जंगाओं के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। करीमनगर सिद्दीपेट कामारेड्डी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद आसिफाबाद मंचरियाल निर्मल अजला के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया है। कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में स्कूल्स और दफातर जाने के औकात में बारिश होने से मुश्किलात का सामना है। महबूब नगर में 30 जुलाई को प्रियंका गांधी का जलसा, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का इजलास। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से 30 जुलाई को महबूब नगर में प्रियंका गांधी का जलसा मुनक्किद होगा, जिसमें साबिक वज़ीर जय कृष्णा राव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जलसा में प्रियंका गांधी महिला डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। कांग्रेस कायदीन का एक इजलास और पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की ख्यामगा पर मुनक्किद हुआ, जिसमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में प्रियंका गांधी के जलसे आपको कामयाब बनाने और पार्टी की जानिब से बस यात्रा शुरू करने और दिगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में मौजूद सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर 1 है, वजीर दाखिला तेलंगाना महमूद अली ने कहा। मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर 1 है, क्योंकि मुल्क भर के सरकारी दफातर में ऐसे मसाजिद नजर नहीं आते। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चहारशंबे को सेक्रेटेरिएट मसाजिद के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसाजिद की शानदार तामीर की पाबंद है। हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बयान दिया है कि 25 अगस्त को मसाजिद का इफ्तिताह होगा। इसी जिमन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असेंबली आमिर शकील, साबिका रुकन कौंसिल फारूक हुसैन, सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम मुजीबुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज इसाक, तारिक अंसारी, सीनियर कायदीन आरिफुद्दीन, शरीफुद्दीन, अब्दुल बासित, बदरुद्दीन कॉन्ट्रैक्टर मोईन खान के हमरा सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के तामीराती कामों का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्ट मोईन खान ने वजाहत करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला के ऐलान करदा तारीख को मसाजिद का इफ्तिताह होगा, क्योंकि मजदूर दिन रात बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला मुस्लिम अकलियत दोस्त हैं और अपने हर वायदे को पूरा करते हैं। बारिश के पेश नजर ओहदेदारों को चौकसी की हिदायत केटीआर ने कहा। वजीर बल्दीनाज मुनस केटीआर रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 2 दिन तक के दौरान हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशकशी के सबब तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि आवाम को नुकसान से बचाया जा सके। केटीआर ने मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिनमें बरकी रेवेन्यू पुलिस हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दिगर महकमे जात शरीक थे। जीएचएमसी के अहदेदारों ने केटीआर को बताया कि नशीबी इलाकों में पानी की निकासी के लिए असरी पंप्स को तैयार रखा गया है। ऐसे इलाके और सड़कें जहां पानी जमा होने का खतरा है वहां पर चौकसी इख्तियार की जा रही है। अहदेदारों ने कहा कि एसएनडीपी प्रोजेक्ट के तहत नालों की सफाई और तौसी के नतीजे में बारिश के पानी के बहाव में मदद मिलेगी और नालों से मुतसिल इलाकों में बारिश का पानी दाखिल नहीं होगा।
मौसम में बरसात के दौरान सेहत और सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। केटीआर ने कहा कि शहर की तौसी और आबादी में इजाफे के नतीजे में कचरे के निकासी के काम पर तवज्जो की जरूरत है। मौसमी तब्दीली, सेहत पर बुजुर्ग असरात, मक्खी और मच्छरों में इजाफा। दोनों शहरों में मौसम की तब्दीली और मुसलसल बारिश के साथ ही मक्खियों और मच्छरों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और महकमे सेहत की जानिब से मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीली के सेहत पर मुजर असरात के मुतालिक शौर बेदारी का आगाज करते हुए इस तरह के मौसम में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाले हालात के मुतालिक महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि इस तरह के मौसम के आगाज के साथ ही मौसम में बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन मौसम में बीमारियों से महफूज रहने के लिए लाजमी है कि इस तरह के मौसम में मक्खियों और मच्छरों से महफूज रहने के इकदाम किए जाएं। माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम बारह के आगाज और मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियां आमतौर पर वबाई अमराज होती हैं और इन अमराज को फैलाने में मक्खियों और मच्छरों का कुलीदी किरदार होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के मौसम में विटामिन डी और विटामिन सी के इस्तेमाल की मकदार में इजाफा करना जरूरी है ताकि क़ुव्वत मुदाफियत को कमजोर होने से महफूज रखा जा सके। महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश, मिट्टी के तोते गिर पड़े, 5 अफराद हलाक, 100 लापता। शुमाली हिंद की कई रियासतों समेत रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिश हो रही है। बारिश के दौरान जिला रायगढ़ के एक गांव में कल रात मिट्टी के तोते गिरने और जमीन खिसकने से तकरीबन 40 मकानात को नुकसान पहुंचा और 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। महलुकिन और जख्मियों की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। वाक़े के बाद करीब 100 से ज्यादा अफराद लापता है। खालापुर तहसील के अरशालवाड़ी गाँव में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद एनडीआरएफ की जानिब से बचाव राहतकारी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी गई है। मरने वालों में रेस्क्यू टीम के कारकुन के भी शामिल होने की इत्तलात हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रायगढ़ जिले की खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव का दौरा किया। मणिपुर वहशत का नंगा नाच, दो खवातीन की बरहाना परेड करवाई गई। मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया पेश आया। बाज़ अफराद की जानिब से दो खवातीन की बरहाना परेड करवाने का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कबायली तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि इन खवातीन की खेत में इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। ये वाकया 4 मई को रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगूकपी जिले में पेश आया। कबायली तंजीम ITLF ने ये बात बताई। इस वाकये से पहले वादी में अक्सरियती तबके मैती और पहाड़ी इलाकों के अक्सरियती तबके को की के दरमियान झड़पें हुई थी। खवातीन के साथ गैर इंसानी हरकत की तमाम गोशों से मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में दो खवातीन की बरहाना परेड करवाने की शर्मनाक वाक़े पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से उनका दिल तड़प गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है इसे कभी मुआफ़ नहीं किया जा सकता और यकीन दिलाया कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से ऐन पहले वज़ीर आज़म मोदी ने सोनिया गांधी से की बात। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने से 2 मिनट पहले ऐवान में पहुंचे और अपोजिशन बेंचों की तरफ गए। देरी इसना उन्होंने कांग्रेस की साबिका सदर सोनिया गांधी से बात की। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कुछ देर पहले जैसे ही वो लोकसभा में दाखिल हुए तो हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने नारे लगाकर और खड़े होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इसके बाद वज़ीर आज़म अपोजिशन बेंचों की तरफ बढ़े। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को सलाम करते हुए और उनका सलाम कबूल करते हुए वज़ीर आज़म ने कुछ देर रुककर सोनिया गांधी से बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सोनिया गांधी ने भी खड़े होकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और नमस्कार का जवाब दिया। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोए से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007944155445 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और
دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیگ زون کے، کاسمک بیگ زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیگ زون، محبوب نگر، ملابار گولڈن ڈائمنڈز، یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا، الماس، ہیرے اور انمول زیورات ملتے ہیں صحیح دام میں۔ ملابار فیئر پرائز پرومس کے ساتھ بیسٹ گولڈ ریٹ، اب بھروسے مند، خاندانی اور ماڈرن زیورات بھی پھر سے آپ سب کے لیے آ رہا محبوب نگر میں دسمبر 10 تاریخ سے۔ ملابار گولڈن ڈائمنڈز، شاہ صاحب بٹا روڈ، محبوب نگر۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.